जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मुनीश कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। बच्चे, इस वीडियो में आज हम क्लास फोर की फोर्थ यूनिट एलिस इन वंडरलैंड के क्वेश्चन आंसर्स और फुल एक्सरसाइज जो कि आपको एनसीईआरटी की मैरीगोल्ड की बुक में दी गई है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पिछली वीडियो में बच्चों हमने इसी यूनिट की स्टोरी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखो ताकि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर फुल एक्सरसाइज जो आज हम करने जा रहे हैं आपको समझ में आ सके। सो लेट्स मूव फर्दर। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले हम स्टोरी का एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम एलिस है, वो एक गार्डन में एक ट्री के नीचे बैठी है और अपनी सिस्टर से एक स्टोरी सुन रही है कि तभी उनको वहाँ पर एक जो खरगोश है, एक रैबिट है, जो वो गुजरता हुआ नजर आता है, जिसने आप देख सकते हैं ब्लू कलर का कोट, रेड कलर का वेस्ट कोट, इससे अम्ब्रेला भी और एक वॉच भी ली हुई है। वो वहाँ से गुजरता है और वो बोल भी रहा था और पिंक पिंक उसकी आइज थी। वो बोलता हुआ वहाँ से गुजरता है तेज़ी से भागता हुआ। उसको देखकर एलिस बड़ी हैरान होती है और वो उसका पीछा करने लगती है और पीछा फॉलो करने लगती है। उसको फॉलो करते करते वो जो है रैबिट होल में जो रैबिट है वो चला जाता है और पीछे वो भी रैबिट होल में जंप लगा देती है और वो बिल्कुल जंप लगा के काफ़ी नीचे चली जाती है। वहाँ पर उसको एक गोल्डन की मिलती है। उस की को वो एक बड़ा ही छोटा सा दरवाज़ा होता है 15 इंचज़ का, उसमें उसको की को लगाती है। तो वो जब दरवाजे को खोलती है तो वहाँ से उसको बाहर बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल गार्डन दिखाई देता है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे ब्राइट फ्लावर्स हैं और कूल फाउंटेन्स हैं। तो दिस इज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स, एलिस इन वंडरलैंड। सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस हैव बीन गिवन टू यू। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने इसके आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। जब स्टोरी को सुन रही थी तो एलिस ने क्या देखा, अपनी सिस्टर की स्टोरी को सुन रही थी ना, तो इसका आंसर है एलिस सो अ स्ट्रेंज वाइट रैबिट। एलिस ने एक बड़ा ही विचित्र वाइट कलर का रैबिट देखा। व्हाट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। जो एलिस ने रैबिट देखा उसके बारे में क्या डिफरेंट था, क्या अलग चीज थी। तो आंसर इज द रैबिट हैड पिंक आईज एंड कुड टॉक आल्सो। जो रैबिट की आंखें थी वो पिंक कलर की थी और वो बोल भी सकता था। थर्ड, वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ गया। सो आंसर इज द रैबिट जम्प्ड इनटू अ बिग होल एंड फेल डाउन एंड डाउन। रैबिट ने एक बहुत बड़े होल में जंप लगा दी और नीचे नीचे चला गया, गिरता गया। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस वंडरलैंड कैसे पहुंची। तो आपको पता ही है किसको फॉलो करते करते, रैबिट को। एलिस रीच्ड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट। नेक्स्ट है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी। एलिस ने वहां पर क्या क्या अलग अलग चीजें देखी। तो आंसर है एलिस सो अ गोल्डन की, एक सोने की चाबी एंड ए लवली गार्डन विद कूल फाउंटेन्स। कूल मीन्स ठंडे जो फाउंटेन्स है उसके साथ एक बड़ा ही प्यारा सा गार्डन देखा। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सो। जो एलिस ने गार्डन देखा था उसको अपने शब्दों में आपने डिस्क्राइब करना है। तो आंसर है द गार्डन वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। गार्डन बहुत ज़्यादा सुंदर था। इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, इसके बड़े ही ब्राइट कलर के फ्लावर्स थे, फ्लावर बेड बने हुए थे। बी साइड्स के साथ ही दे वर कूल फाउंटेन्स, कूल ठंडे फुवारे भी थे पानी के। इनफैक्ट असल में इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन एलिस हैड एवर सीन। एलिस ने जो भी आज तक गार्डन देखा था उसमें से ये सबसे सुंदर गार्डन था। नेक्स्ट, ड्रा द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। आपने अपने ड्रीम का एक गार्डन, अपने सपनों का एक बाग यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो दिस इज द टास्क फॉर योर सेल्फ, ये आपने खुद ड्रॉ करना है बेटे। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट, यू हैव बीन गिवन एन एक्सरसाइज ऑन एमसीक्यू। आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको
करने हैं। थ्री ऑप्शंस आपको दी गई हैं, उसको ढूंढना है कि राइट करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रैबिट हैड, रैबिट की वाइट आंखें थी, बिग आंखें थी या पिंक आइज थी, पिंक आंखें थी। तो आंसर है पिंक आइज थी। हु वॉज बर्निंग विद क्रियोसिटी, क्रियोसिटी के साथ कौन, किसको क्रियोसिटी हुई ये देखकर, रैबिट को देखकर, एलिस को, रैबिट को या चिल्ड्रन को, एलिस को। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन नीचे नीचे गिरता गया, एलिस, अ माउस या द रैबिट। तो वैसे तो एलिस और द रैबिट दोनों ही गिरे थे, लेकिन सबसे पहले द रैबिट ही आएगा, सबसे पहले रैबिट गिरा था, उसके पीछे एलिस गिरी थी। हु सेड, किसने कहा, ओ माय ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज गेटिंग, अरे मेरे ईयर्स और विस्कर्स मैं बहुत लेट हो गया। तो ये कहा था बेटे द रैबिट, रैबिट ने। द गार्डन एलिस सो वॉज, जो गार्डन एलिस ने देखा था वो बहुत बड़ा था, बिग था, लवली था, प्यारा था या स्मॉल था, छोटा था। तो वो काफी लवली था। ओके लेट्स मूव फर्दर। नाउ यू हैव बीन गिवन अ लेट्स टॉक सेशन, आपको एक लेट्स टॉक सेशन दिया गया है, तो देखते हैं इसको। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट, रात को जो आप कुछ आवाजें सुनते हैं उसको डिस्क्राइब करो। तो इसका आंसर है बार्किंग ऑफ डॉग्स, कुत्तों का भौंकना सुनते हैं, मीइंग ऑफ कैट्स, कैट्स का म्यू म्यू करना देख सुनते हैं, और विसल्स ऑफ वॉचमैन, वॉचमैन की क्या कर क्या सुनते हैं, चौकीदार की सीटियां। सेकंड, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू, सोचो, ऐसा मान लो, कल्पना करो कि आप एलिस हो और आपका जो पार्टनर रैबिट जो है वो वाला, वो आपका पार्टनर है, आप क्या क्या करोगे फिर। तो इसका आंसर है आई वुड प्ले विद द रैबिट, मैं रैबिट के साथ खेलूंगी या खेलूंगा, एंड गो टू वंडरलैंड विद हिम, उसके साथ वंडरलैंड जाऊंगा। तो बेटे ये जो है लेट्स टॉक सेशन, ये मैंने अपनी ओर से क्वेश्चन तैयार किए हैं, आप अपनी ओर से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके सो जरूरी नहीं आप इस इन्हीं क्वेश्चंस को फॉलो करो जो यहाँ पर दिए गए हैं, आप अपनी ओर से कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं जो भी आपके मन में है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक एलिस सो इन द गार्डन, एलिस ने गार्डन में क्या देखा, एलिस सो बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स, उसने बेड्स देखे किसके, ब्राइट फ्लावर्स के, फ्लावर बेड लग थे वहां पे और कूल फाउंटेन्स थे। हाउ कुड एलिस हैव गॉट इन टू द गार्डन, एलिस गार्डन में कैसे गई, मिस उसने कैसे देखा, एलिस कुड हैव गॉट इन टू द गार्डन बाय बिकमिंग स्मॉलर, छोटी बनकर ही वो गार्डन के अंदर जा सकती है, उसने कहा था ना कि काश मैं छोटी हो जाऊं। तो दिस वाज द क्वेश्चन, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट आपको बेटे यहां पर फर्स्ट लेटर दे दिया गया, बाकी हमने वर्ड इससे ढूंढना है कि कौन सा वर्ड है। तो फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, ऐसा वर्ड स्टोरी से जिसका मीनिंग है टू वॉक फास्ट, टू वॉक फास्ट का आएगा बेटे हरिड, हैप्पी, हैप्पी का आएगा डिलाइट, देन एटवंस, एटवंस का आएगा क्विकली, देन मूव फास्ट, मूव फास्ट का आएगा स्कैम्पर, तेजी से भागना या दौड़ना, टू थिंक, थिंक में सोचना, सोचने का आएगा वंडर, टू बी सीन नो वेयर, कहीं भी दिखाई नहीं देना, उसका आएगा डिसअपियर्ड, गायब हो जाना, टू बी इनक्विस्टिक, इसका आएगा क्यूरियस। लेट्स मूव फर्दर। अब आपको पेज नंबर 71 पर अब आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, ये वर्ड्स है जिसके हमने पहले सेम मीनिंग लिखने हैं, सिमिलर मीनिंग, और सेंटेंस बनाना है, देन उसके अपोजिट लिखने हैं और फिर सेंटेंस बनाना है। तो बेटे ये सिमिलर मीनिंग वाला काम आपका खुद है, आपने खुद सिमिलर मीनिंग इनके ढूंढने हैं डिक्शनरी से और उनके सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ पर मैं आपको अपोजिट वर्ड्स और सेंटेंसेस करवाऊंगा। सो फर्स्ट है लवली, लवली का आएगा अगली, तो सेंटेंस इसका बाद में करते हैं। टॉकिंग, टॉकिंग में बोलता हुआ, इसका आएगा साइलेंट, बिल्कुल चुप, लिसनिंग सुन रहा, स्पीकिंग बोल रहा, सी देखना, इग्नोर, इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना, सेंटर बीच में, असाइड एक साइड पे। अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। अगली का बनाया बेटे, चीटिंग अदर्स इज अ वेरी अगली एक्ट, दूसरों को धोखा देना बहुत ही ज्यादा गंदा काम है, अगली एक्ट है। सेकंड आ गया साइलेंट, बी साइलेंट व्हेन एल्डर्स स्पीक,
जब बड़े बोलते हैं तब हमेशा चुप रहो। थर्ड आ गया स्पीकिंग, ही स्पीकिंग वेरी लाउडली, वो बहुत ऊंची बोल रहा है। फोर्थ है इग्नोर, नेवर इग्नोर योर मिस्टेक्स, अपनी मिस्टेक्स को कभी भी नज़रअंदाज मत करो, ये बहुत ज़रूरी है बेटे, कभी भी जो मिस्टेक्स है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। और लास्ट वन था असाइड, असाइड होता है एक साइड पर, आई कैप्ट द बॉक्स असाइड, मैंने बॉक्स एक तरफ रख दिया। सो लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट पेज नंबर 71 यू हैव बीन गिवन थर्ड टास्क, आपको थर्ड टास्क दिया गया है, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी, आप एक जर्नी पे जा रहे हैं टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर पे, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, आपको क्या लगता, आप क्या सोचते हैं, आप क्या देखोगे वहां पे, व्हाट वुड यू फील, और कैसा फील करोगे। तो आंसर है आई वुड सी द ब्यूटी ऑफ द एनवायरमेंट, मैं एनवायरमेंट की ब्यूटी देखूंगा, सुंदरता। आई वुड ऑल्सो सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर, मैं एटमोसफेयर की अलग अलग परतें भी देखूंगा जो लेयर्स बनी होती है। देन पूछा था व्हाट वुड यू फील, आई वुड फील वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करूंगा। तो नाउ वी आर एट फोर्थ टास्क, हमें फोर्थ टास्क दिया गया है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट, एलिस ने स्ट्रेंज रैबिट को फॉलो किया, बिकॉज शी wants टू नो अ नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें सीखना देखना चाहती थी, जानना चाहती थी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द questions दैट एलिस हैज इन हर माइंड, हम अब हमें यहाँ पर कुछ जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, जम्बल्ड सेंटेंस सॉरी, इनको हमने रीअरेंज करना है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले टॉक रैबिट अ हाउ कैन, तो इसको हम हाउ से स्टार्ट करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हाउ कैन अ रैबिट टॉक, और लास्ट में फुल स्टॉप। गोइंग ही इज वेयर, तो वेयर से स्टार्ट करेंगे हम, आंसर आएगा वेयर इज ही गोइंग। बच्चे यही पैटर्न होता है, सबसे पहले हमने डब्ल्यू एच फैमिली लगानी होती है, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इज एम आर वोज वर, जो भी वहां पे दिया हुआ है, इज एम आर वोज वर, हैज हैड कैन कुड मे माइट, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में जो रह गया उसको। जैसे यहाँ पे बेटे रीड ही कैन टाइम द, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच नहीं है, तो हम इसको सीधे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, कैन ही आगे जो रह गया रीड द टाइम। नेक्स्ट है हरी इज इन ए वाई ही, तो वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई फिर हेल्पिंग वर्ब इज फिर सब्जेक्ट ही आगे जो रह गया इन अ हरी। सो लेट्स मूव फर्दर, सो दिस इज द होल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार द एजुकेटर। बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने साथियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब बच्चे पढ़ सके, सब बच्चे आगे बढ़ सके और सब बच्चे इंग्लिश सीख सके, और कम से कम उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे जो किसी ना किसी कारण प्राइवेट ट्यूशंस नहीं ले पाते, ताकि वो भी बच्चे पढ़ सके और वो भी आगे बढ़ सके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।